जय माता की भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे पति पत्नी के विषय में। जो चर्चा चल रही है, पहले विषय में हमने कहा था पति वशीकरण, और अब है पत्नी वशीकरण। जिन लोगों की पत्नियां परेशान करती हैं, घर को अस्त व्यस्त करती हैं, सुख सुविधाओं को अपने ही ढंग से चलाती हैं, ऐसी पत्नियों को वश में कैसे करें। विषय को चालू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, लाइक और शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। मैं उन्हीं सब्सक्राइबर को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और हमारे हौसले को बढ़ाया। मैं उनको धन्यवाद कहते हुए विषय को चालू करता हूँ। हमको पत्नी को वशीकरण करने के लिए बिल्कुल छोटा सा एक उपाय है, और उन पत्नियों को सर्वदा के लिए अपने वश में कर सकते हैं। एक रुमाल, सफेद रंग का रुमाल लेना है और हरे रंग की शाही का इस्तेमाल करना है। दिन होना चाहिए बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी समय सफेद रुमाल पर अपनी पत्नी का नाम लिखें और उस रुमाल को अपने पत्नी के उल्टे हाथ में पकड़ा दें। इस कार्य को करने से पहले अपनी सभी बातों को गुप्त रखें और किसी को भी इसका राज ना दें। तो मेरा ये मानना है कि जिस साधक ने ये काम किया है, उनकी पत्नी सर्वदा के लिए उनके वशीभूत रहेंगी और उसके हर काम को, हर आज्ञा को मानेंगी और घर की सुविधाओं को ढंग से समझेंगी। एक बार फिर कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको सीधी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार करूंगा। जय माता दी।